Namaste everyone, welcome to my channel of mobile photography and vlogs, and in today's video I will explain you some cool editing tricks with the help of which you can enhance your photo into a much more detailed eye-catching image. So basically ये होता है कि आप फोटोग्राफी तो कर लेते हो बट आपका जो इमेज है उसमें कहीं ना कहीं पे डिटेल्स मिसिंग रह जाता है या कहीं ना कहीं पे हाइलाइट्स कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन वगैरह और ये सब चीज़ें मिस हो जाते हैं जिसको आप एडिटिंग के थ्रू पोस्ट प्रोसेसिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं बट होता है कि आप उसमें आपको ये आइडिया नहीं होता है कि कब क्या यूज़ करना चाहते हो और उसकी वजह से आपके फ़ोटो की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है या फिर फ़ोटो बहुत पुअर क्वालिटी का हो जाता है और उसका कलर सब ब्लोन आउट हो जाता है एडिटिंग में वो सब एडिटिंग के डिफरेंट वीडियोज़ में आपको मेंशन करते रहूँगा अब मैं आपको फोटोग्राफी हैक्स के साथ साथ ही एडिटिंग ट्यूटोरियल्स भी आपको मैं देते रहूँगा जिसकी वजह से आप अपने फोटोग्राफी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत सी चीज़ें जो आप फोटोग्राफी करते समय नहीं कर सकते थे वो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिट कर सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस फोटो के बारे में बताऊंगा जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये बेसिकली एक 3D फोटोग्राफी का एक पैटर्न है या फिर एक 3D एडिटिंग मैंने किया ऐसा बोल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल पोर्शन वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ आई हैव क्लिक्ड दिस पिक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू दैट हाउ आई हैव एडिटेड इट ऑन स्नैपसीड सो आई थिंक नाउ वी हैव टू मूव टू द प्रैक्टिकल सेशन सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल सेक्शन आपको दो पिक्चर्स दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन में राइट नाउ सो द फर्स्ट पिक्चर इज दिस वन जिसमें आपको दिख रहा होगा मैं एक फ्लाई ओवर के ऊपर खड़ा था एंड फ्रॉम दैट फ्लाई ओवर द व्यू ऑफ द रोड इज विजिबल एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन दिस व्यू इट्स अ केबल स्टेट ब्रिज एंड नाउ लेट्स गो इन टू द सेकेंड पिक्चर कमिंग टू द सेकेंड पिक्चर आई हैव क्लिक्ड दिस इमेज एंड दिस इज द सेम फ्रेम एंड विन द सेम फ्रेम यू हैव टू just keep a mobile in such a way that ye jo mobile ka jo corner hai it merges with the edges of the road on both the sides I think you might be seeing that this region where I am just tapping it should just coincide with the edge of the road in both the way I have did this and you have to keep horizontally the phone and keep an angle such that when we will be using double exposure on Snapseed it will look way too cool So let's do that. So first open this image. So I have opened this image on Snapseed. Let's go to the edit option and in the edit option let's go to the double exposure. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डबल एक्सपोजर पे आ गया हूँ अब मुझे वो पिक्चर सिलेक्ट करना है जिसमें मैंने मोबाइल को रेफरेंस पे लिया था एंड वी हैव टू मर्ज बोथ द इमेजेस सो हियर इज द सेकेंड इमेज सो नाउ यू कैन सी बोथ द इमेजेस वन आफ्टर द अदर A minor opacity level is set, which helps you to see the diluted image of both the frames. Now we will do that. We will check the opacity. जैसे कि opacity check कर रहे हो आपको ये phone fully visible लगता है तो आप क्या करोगे इसका opacity 100 रखोगे I mean the opacity slider is kept at the fuller edge. Okay, done. Now you will go to the revert option. From the revert option, you will see the view edits. And in the view edits, you will see the double exposure. Click on it, and from there you can see the edit option. Now what we will do is we will keep the exposure at 100 and just slide over here. You can see your phone will be visible here. So I guess now you have understood what I will be doing. So now once the phone is visible, what you have to do? You have to set the exposure level to a zero level. Which means the background image will be visible now. Now just you can adjust the brush size with this. As you can see, I am using a larger brush for this area. Now you have to erase the area. Once you are erasing, you can see it. It is getting easily erased and erased properly so that the edges won't get removed.
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रहा, ये 3D इमेज क्रिएट कर चुका हूँ स्नैपसीड के हेल्प से, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लियर एंड ऑल द डिटेल्स आर कवर्ड इन इट. सो दिस इज़ द फाइनल इमेज दैट आई हैव अपलोडेड ऑन Instagram, the link of which I will be giving in the description. You can go there and watch my photo and get more details. Okay, so if you guys enjoy the video, hit the big fat like button and don't forget to subscribe to my channel. I will be coming with more such editing tutorials and more photography tricks and hacks on this channel. For that all you have to do is bas subscribe karo, bell bar ko click karna mat bhulna, warna aap notified nahi reh paoge. And till then, take care, bye, and a happy Diwali from Shobhit.